वेलकम बैक एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जो आप स्क्रीन पे वीडियो देख रहे ना, इस तरह के वीडियो दोस्तों बहुत ही तेज़ी से वायरल होता है। दोस्तों, अगर आप लोग भी इस तरह के वीडियो एडिट करके किसी भी सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं तो ऐसे वीडियो दोस्तों बहुत ही तेज़ी से वायरल होता है। दोस्तों, इस वीडियो को एडिट करने के लिए एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जो है काइन मास्टर। तो चलिए दोस्तों, अपना काइन मास्टर ओपन कीजिए, वहाँ पर चल के आगे का प्रोसेस जान लेते हैं। दोस्तों, हमारा काइन मास्टर ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखिए प्लस का आइकन, इसको सेलेक्ट कीजिए। 916 का दोस्तों फ्रेम सेलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग को वीडियो दिखा देता हूँ, देख लीजिए। कुछ इस तरह से आप लोग वीडियो शूट कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो शूट करते समय एक बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि लास्ट में देखिए कुछ खाली बैकग्राउंड ऐसे कुछ इस तरह से रिकॉर्ड कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो की स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाइए। देखिए दोस्तों, जो आगे का पार्ट है ना, एक्स्ट्रा पार्ट है, इसे कटिंग करने के लिए देखिए दोस्तों वीडियो पे क्लिक कीजिए, ऊपर कैची का ऑप्शन इसे सेलेक्ट कीजिए, ट्रिम टू लैपटॉप फ्लैट कर दीजिए। अगेन दोस्तों, उस पार्ट को सर्च कीजिए जहाँ से आप बैकग्राउंड से बाहर निकल जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, हम बैकग्राउंड से बाहर यहीं से निकल रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो को यहीं से कटिंग करनी है। कटिंग करने के लिए देखिए दोस्तों, जो तीसरा ऑप्शन है ना, स्प्लिट प्ले हेड, इस पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, जो पीछे का पार्ट है ना, कुछ इस तरह से फिंगर रख के इसको आगे स्लाइड करके कर दीजिए, कुछ इस तरह से। देखिए दोस्तों, जो खाली बैकग्राउंड है ना, हम यहीं तक रखेंगे। तो दोस्तों, जो आगे का पार्ट है ना, एक्स्ट्रा पार्ट, इसे कटिंग करने के लिए देखिए दोस्तों वीडियो पे क्लिक कीजिए, ऊपर कैची का ऑप्शन इसे सेलेक्ट कीजिए, इस ट्रिम टू लैपटॉप प्लेट कर दीजिए। अगेन दोस्तों, सेकेंड पार्ट पे आ जाइए। देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पे कैप्चर लेनी है। कैप्चर लेने के लिए देखिए दोस्तों, शेयर के ऊपर कैप्चर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए, कैप्चर एंड शेप पे क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, जो अभी आपने कैप्चर लिया है ना दोस्तों, इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, यानी कि इरेज करना है। इरेज करने के लिए दोस्तों देखिए, पिक्सआर्ट से कर सकते हैं, या तो आप लोग एक वेबसाइट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके वहाँ पर तुरंत कर सकते हैं, 5 सेकंड में आप लोग का इरेज हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं पहले से इरेज करके रख लिया हूं। तो चलिए दोस्तों, इरेज जो फोटो है ना, उसको ऐड कर लेते हैं। दोस्तों, लेयर पे क्लिक कीजिए, मीडियम जाकर दोस्तों इरेज फोटो को ऐड कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो को यहां से फुल स्क्रीन कर लीजिए, एडिटिंग करने में आसानी होगी। दोस्तों, जो इरेज फोटो है ना, कुछ ही तरह से आप लोग को वीडियो को ऊपर अच्छे से मैच करनी है, ताकि ये ना लगे दोस्तों कि इरेज फोटो भी ऊपर है। दोस्तों, इरेज फोटो को कुछ ही तरह से आगे स्लाइड करके वीडियो की स्टार्टिंग पोजीशन तक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, जो हमारा इरेज फोटो है ना, हम यहीं तक रखेंगे। दोस्तों, जो पीछे का पार्ट है ना, एक्स्ट्रा पार्ट है, इसे कटिंग करने के लिए देखिए ऊपर कैची का ऑप्शन इसे क्लिक कीजिए, ट्रिम टू राइट ऑफ फ्लैट कर दीजिए। अगेन दोस्तों, जो अपनी लेयर वाली फोटो है ना, इस पर की एनिमेशन देना है। की एनिमेशन देने के लिए देखिए दोस्तों, डिलीट के ऊपर की का ऑप्शन है ना, इसे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे एक डॉट दे दीजिए। दोस्तों, फोटो के लास्ट पोजीशन पे एक डॉट दीजिए, और दोस्तों जो पहला आपने डॉट दिया ना, उस पोजीशन पे आ जाइए। फोटो को दोस्तों ऊपर ले जाकर आसमान में कुछ इस तरह से छुपा दीजिए, मतलब छोटा कर दीजिए। अगेन दोस्तों, दूसरा डॉट पे क्लिक कीजिए, आसमान में फोटो को ले जाकर कुछ इस तरह से छोटा कर दीजिए। अगेन दोस्तों, यहाँ पे एक जरूरत पड़ेगी ग्रीन स्क्रीन वीडियो की, जो कि आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जो ग्रीन स्क्रीन वीडियो है ना, उसको भी ऐड कर लेते हैं। लेयर पे क्लिक कीजिए, मीडिया में जाके दोस्तों ग्रीन स्क्रीन वीडियो को ऐड कर लीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्रोमा की का ऑप्शन इस पर सेलेक्ट कीजिए और दोस्तों यहाँ से इनेबल कर दीजिए। दोस्तों, ये दोनों पॉइंट को आगे पीछे कुछ इस तरह से मैच कर दीजिए, ताकि अपना अच्छे से ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो जाए। दोस्तों, ग्रीन स्क्रीन कुछ अच्छे से इस तरह सेट कर दीजिए, जैसे कि आप ऊपर से आ रहे हो, जैसे लग रहा है धरती फट रही है, यानी कि अपने पैर के नीचे कुछ इस तरह से अच्छे से मैच कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो के लास्ट पोजीशन पे आ जाइए। देखिए, अपनी वीडियो से बड़ी लेयर है दोस्तों, तो लेयर को कटिंग करने के लिए देखिए लेयर पे क्लिक कीजिए, ऊपर कैंची का ऑप्शन इसे सेलेक्ट कीजिए, ट्रिम टू राइट ऑफ फ्लैट कर दीजिए। अगेन दोस्तों, उस पार्ट को सर्च कीजिए जहाँ से आप मुंडी को ऊपर कर रहे हो। देखिए दोस्तों, हम मुंडी को यहीं से ऊपर कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक लाइट वाली वीडियो की जरूरत पड़ेगी, जो कि आप लोग को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जो लाइट वाली वीडियो है ना, उसको भी ऐड कर लेते हैं। लेयर पर क्लिक कीजिए, मीडिया में जाके दोस्तों लाइट वाली जो वीडियो है ना, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। अगेन दोस्तों, क्रोमा की के नीचे देखिए एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन है, इस पर सेलेक्ट कीजिए, स्क्रीन को ऑन कर दीजिए। अगेन दोस्तों, उस पार्ट को सर्च कीजिए जहाँ से आप उठ के दौड़ने की कोशिश करते हो। देखिए दोस्तों, हम उठ के दौड़ने की कोशिश यहीं से कर रहे हैं। दोस्तों, जो लाइट वाली जो वीडियो है ना दोस्तों, जो पीछे का पार्ट है ना, एक्स्ट्रा पार्ट है, इसे कटिंग करनी है। कटिंग करने के लिए देखिए दोस्तों, लेयर पे क्लिक कीजिए, ऊपर देखिए कैंची का ऑप्शन, इसे सेलेक्ट कीजिए, ट्रिम टू राइट ऑफ फ्लैट कर दीजिए। अगेन दोस्तों, अपनी लाइट वाली वीडियो पे क्लिक कीजिए। दोस्तों, लाइट वाली वीडियो को थोड़ा सा छोटा करके अपने आँख के ऊपर मैच कर दीजिए, ताकि ऐसा लगे दोस्तों कि आपकी आँख से लाइट जल रही है, कुछ इस तरह से। दोस्तों, अगेन दोस्तों, डिलीट के ऊपर देखिए की का ऑप्शन, इसे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे एक डॉट दे दीजिए। दोस्तों, जैसे जैसे आपकी मुंडी ऊपर हो रही है दोस्तों, ऐसे ऐसे आप लोग को डॉट देनी है, और आपके मतलब लाइट वाले जो वीडियो है दोस्तों, अपने आँख के ऊपर कुछ इस तरह से अच्छे से मैच करनी है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट मैच कर लेते हैं कुछ इस तरह से।
अगेन दोस्तों अपने सेकंड वाले जो वीडियो है ना उसके फर्स्ट पोजीशन पे आ जाइए, लेयर पे क्लिक कीजिए, मीडिया में जाके दोस्तों लाइट वाले जो वीडियो है ना दोस्तों उसको ऐड कर लीजिए। दोस्तों लाइट वाले जो वीडियो है ना कुछ ही तरह से रोटेट कर दीजिए, क्रोमा की के नीचे देखिए दोस्तों ब्लेंडिंग का ऑप्शन, इसे सेलेक्ट कीजिए, स्क्रीन को ऑन कर दीजिए। दोस्तों लाइट वाले जो वीडियो है ना दोस्तों कुछ ही तरह से अपने शरीर के ऊपर अच्छे से मैच कर दीजिए। अगेन दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा आगे स्लाइड कीजिए, यहाँ पे एक और लाइट वाली वीडियो की जरूरत पड़ेगी जो कि आप लोग को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों लाइट वाली जो वीडियो है ना उसको भी ऐड कर लेते हैं। लेयर पे क्लिक कीजिए, मीडिया में जाकर दोस्तों लाइट वाली वीडियो को ऐड कर लीजिए। दोस्तों लाइट वाली जो वीडियो है दोस्तों कुछ ही तरह से जूम करके थोड़ा सा रोटेट करके आसमान पर फिक्स कर दीजिए। क्रोमा के नीचे देखिए दोस्तों ब्लेंडिंग का ऑप्शन, इसे सेलेक्ट कीजिए, स्क्रीन को ऑन कर दीजिए। अगेन दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाइए। दोस्तों यहाँ पे एक स्काई वाले वीडियो की जरूरत पड़ेगी जो कि आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्काई वाला वीडियो को ऐड कर लेते हैं। लेयर पे क्लिक कीजिए, मीडिया में जाकर दोस्तों स्काई वाले वीडियो को सेलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों स्काई वाला वीडियो है ना दोस्तों उसको कुछ ही तरह से जूम करके आसमान पर फिक्स कर दीजिए। क्रोमा के नीचे देखिए दोस्तों ब्लेंडिंग का ऑप्शन है, इसे सेलेक्ट कीजिए, ओवरले पे क्लिक कर दीजिए। दोस्तों कैपेसिटी को यहाँ तक माइनस कर दीजिए। अगेन दोस्तों वीडियो के लास्ट पोजीशन पे आ जाइए। देखिए अपनी वीडियो से बड़ी लेयर है दोस्तों, तो लेयर को कटिंग करने के लिए देखिए दोस्तों लेयर पे क्लिक कीजिए, ऊपर कैची का ऑप्शन, इसे सेलेक्ट कीजिए, ट्रिम टू राइट ऑफ फ्लैट कर दीजिए। दोस्तों अपनी वीडियो एडिट हो चुकी है, थोड़ा सा काम और रह गया दोस्तों, तो अपनी वीडियो को यहाँ से गैलरी में एक बार सेव कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पे एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जो है पावर डायरेक्टर। तो चलिए दोस्तों अपना पावर डायरेक्टर ओपन कीजिए, वहाँ पे दोस्तों एक इफेक्ट ऐड करनी है। दोस्तों काइन मास्टर में वो इफेक्ट नहीं है, इसलिए दोस्तों हम पावर डायरेक्टर से उस इफेक्ट को ऐड करेंगे। दोस्तों हमारा देखिए पावर डायरेक्टर ओपन हो चुका है। यहाँ देखिए न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन, इस पर सेलेक्ट कीजिए, जो आपने वीडियो को एक्सपोर्ट किए ना दोस्तों उस वीडियो को सेलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों उस पार्ट को सर्च कीजिए जहाँ से आप दौड़ने के लिए स्टार्ट होते हो, यानी कि रेडी हो जाते हो। देखिए दोस्तों हम रेडी यहीं से हो रहे हैं। तो वीडियो को दोस्तों यहाँ से कटिंग करनी है दो भागों में। कटिंग करने के लिए देखिए दोस्तों यहाँ पे कैची का ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक कर दीजिए। अगेन दोस्तों सेकेंड वाली पार्ट पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर देखिए एक पेंसिल का ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिए। दोस्तों स्पीड को यहाँ तक प्लस कर दीजिए। दोस्तों यहां से डन कर दीजिए। अगेन दोस्तों इफेक्ट पे क्लिक कीजिए, डेले वाला दोस्तों इफेक्ट है ना दोस्तों इसको सेलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों यहां से डन कर दीजिए। दोस्तों वीडियो में ऑडियो ऐड करने के लिए दोस्तों वीडियो के फर्स्ट पोजीशन पे आ जाइए। देखिए यहां पे म्यूजिक का ऑप्शन, इसे सेलेक्ट कीजिए। दोस्तों मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और दोस्तों यहाँ से ऐड कर लीजिएगा। दोस्तों हमारी वीडियो पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुकी है, एक बार आप लोग को वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ, देख लीजिए अपनी वीडियो कैसी एडिट हुई है। दोस्तों वीडियो को गैलरी में सेव और शेयर करने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, प्रोड्यूस वीडियो पे क्लिक कर दीजिए दोस्तों, और यहाँ पे क्लिक कीजिए जो भी आप क्वालिटी में चाहते हैं दोस्तों, यहाँ सेलेक्ट कीजिए, वीडियो को यहाँ से दोस्तों एक्सपोर्ट कर दीजिए।